Hey guys, this is Mitesh Jain here. आज मैं आपके लिए motivational story लेके आया उसी तरह beach से, क्योंकि इस story का beach से काफी लेना देना है। एक सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति beach के किनारे टहल रहा था। टहलते-टहलते उसे दूर एक बच्ची को देखा कि वो हड़बड़ी में कुछ तो कर रहा है। वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे के पास गया, उसने देखा कि बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही हैं और वो बाढ़ और काफ़ी सारी स्टारफिश को फेंके जा रही है। वो नन्ना सा बच्चा एक एक स्टारफिश अपने हाथों से ले रहा था और फिर से समुंदर में फेंक रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस बच्चे को कहा कि बेटा, ये लहरें इतनी बड़ी उठ रही है और काफ़ी सारी स्टारफिश किनारे पर आ रही है, आपके अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। उस छोटे से बच्चे ने अपने नन्ने हाथों से एक और स्टारफिश को उठाया और फिर से समुंदर में फेंकते हुए कहा कि और किसी को फर्क गिरे ना गिरे, लेकिन इस फिश को तो जरूर गिरेगा। इसी तरह दोस्तों, मैंने भी कुछ साल पहले एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया था, जहाँ पे मैं पुराने खिलौने लेके अपने आसपास में जो भी गरीब बच्चे मुझे दिखे, जिनके पास खेलने के लिए खिलौना ना हो, उनको मैं बांटता था। इनिशियली काफ़ी लोगों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तेरे अकेले की करने से क्या होगा, लेकिन आज 3-4 साल उस बात को हो गए और काफ़ी मेरे करीबी लोगों ने और काफ़ी दोस्तों ने मुझे वो खिलौने दिए और वो खिलौने मैंने उन बच्चों में बांटे हैं। और बांटते हुए मैंने उनके चेहरों पर जो मुस्कान देखी है, बड़े पैमाने पे तो मैं कुछ फ़र्क ना ला पाया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चेहरों पे मैं मुस्कान ला पाया हूँ। हम बड़े पैमाने पर अगर कुछ ना कर पाए, लेकिन छोटे छोटे एफर्ट्स जरूर लेने चाहिए, ताकि हम लोग कुछ कहीं ना कहीं छोटे मोटे चेंजेस ला सके, कहीं ना कुछ किसी के चेहरों पर मुस्कान ला सके। सो दोस्तों, छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहे और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।